हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे हाउ टू नो सिंथेटिक सीलिंग यानी कि पॉलिस्टर सीलिंग रेटेड कैपेसिटी। तो यहां पे देखेंगे कि पॉलिस्टर सीलिंग या वेब सीलिंग जिसको बोल सकते हैं या सिंथेटिक सीलिंग भी बोल सकते हैं, उसके रेटेड कैपेसिटी हम कैसे जान। तो यहाँ पे एक तो जानने का तरीका है कि आपने बेल्ट देखा होगा तो उस पर स्टिचिंग देखा होगा, ब्लैक धागे से किया हुआ आता रहता है, ब्लैक स्टिचिंग रहता है। अगर उस पर एक स्टिच है तो इसका मतलब एक टन, दो स्टिच है तो इसका मतलब दो टन, थ्री स्टिच है तो थ्री टन एंड फोर है तो फोर टन, तो इसी तरह का रहता है। स्टिच के आधार पर अगर हम पता करना चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कलर के आधार पर करना चाहें तो उसका हम कलर के आधार पर भी हम इसके है जो रेटेड कैपेसिटी के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे टेबल देखते हैं। यहाँ पे सीलिंग की जो विड्थ है वो इंच में दिया गया है, दो इंच हमने लिया है, तीन लिया है, चार लिया है और पांच लिया है। इसके आधार पे कलर कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, सबका कलर पर्पल, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ग्रे, रेड, ब्राउन, ब्लू एंड ऑरेंज, इस तरह का है। अब यहाँ पे एक चीज आप जानते हैं कि मैंने हिच जो आपको मेरे वीडियो आपने हिच में देखा होगा, वहाँ पे वर्टिकल में जो इसकी कैपेसिटी होती है वो चोकर में कम हो जाती है लेकिन बास्केट में वर्टिकल के डबल हो जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं 3000 है तो 6000 हो गया, तो इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ विड्थ हमारा कितना है, इंच में दो इंच का वेब सीलिंग है। अब इसमें अलग अलग कलर्स के आधार पे अलग अलग उसकी रेटेड कैपेसिटी होगी। अगर पर्पल है तो है जो वर्टिकल में 3 टन उठाएगा, चोकर में 2.4 टन उठाएगा और बास्केट में सीधा डबल हो जाएगा यानी 6 टन उठाएगा। लेकिन अगर ब्लैक है तो ब्लैक में इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कलर कोडिंग याद रखना जरूरी है इस फॉर्मूले के लिए, इससे जानकारी के लिए। यहाँ वर्टिकल में 4.5 टन है, 3.6 टन है और ये 9 टन हो गया। ग्रीन में देखेंगे इसका वर्टिकल में 6 टन है, चोकर में 4.8 टन है और बास्केट में 12 टन हो गया। इसी तरह येल्लो है तो येलो का वर्टिकल में 9 टन उठा सकता है, 7.2 टन उठा सकता है और 18 टन उठा सकता है। तो ये अभी आपने 2 इंच ब्रेथ में देखा। अब 3 इंच ब्रेथ में यहाँ पे कलर फिर चेंज होगा, ये कलर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कलर ग्रे कलर है, ग्रे कलर में वर्टिकल में इसकी 12 टन उठाने की कैपेसिटी है जो कि चोकर में घट जाती है, 9.6 टन हो जाती है और बास्केट में डबल हो जाएगा वर्टिकल का, यानी 12,000 की जगह पे 24,000। उसी तरह रेड का है, रेड का है 14,000 टन, यहाँ 11.2 टन हो गया और इसका सीधा डबल हो गया 28,000 टन। फिर यहाँ पे ब्राउन हो गया 3 इंच में तो इसका 17 टन हो गया वर्टिकल, चोकर हो गया 13.600 टन एंड बास्केट में 34 टन यानी कि सीधा इसका डबल हो गया। उसी तरह अगर ब्लू बेल्ट है उसकी कैपेसिटी 12 टन हो जाए, 22 टन हो जाएगी, चोकर में 17.6 टन हो जाएगा और बास्केट में सीधा है जो वर्टिकल का डबल हो जाएगा यानी कि 44,000 टन केजी। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 और 5 इंचेज में भी ले सकते हैं, दोनों में कलर ऑरेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ये देखना है कि विड्थ कितना है तो विड्थ को भी पता लगा के रखना पड़ेगा और यहाँ पे कलर, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग चीज़ें हो गई है और ऑरेंज दोनों का आ रहा है। तो अगर 4 इंच है तो अगर ऑरेंज दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका वर्टिकल में 26,000 kg होगा, 20.8 टन होगा और 52 टन हो जाएगा यानी इसका डबल। और दूसरा हो सकता है 32 टन, 25.6 टन एंड 64 टन। अगर अब 5 इंच में आ गए हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऑरेंज ही है लेकिन ये 50 टन उठा सकता है, ये 40 टन उठा सकता है और ये हो गया सीधा 50 टन का डबल हो गया वर्टिकल में, तो हो गया 1,00,000 kg। इसी तरह है जो ये देखिए यहाँ 60 उठा सकता है, 44 उठा सकता है, इसका सीधा डबल। तो अभी आपने यहाँ पे सिर्फ यही देखा कि हम स्टिचिंग के आधार पे पता करते थे कि इस सीलिंग की कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे कलर के आधार पे भी हम चेक कर सकते हैं कि वेब सीलिंग की कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी अभी कितनी है।
तो चलिए दोस्तों, आप इसको इस फिगर के माध्यम से आराम से समझ गए होंगे। इस टेबल के माध्यम से सिर्फ आपको कलर याद रखना पड़ेगा और विड्थ याद रखना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।